अशोका में गए दो साल तक खाने, वो अशोका में होटल है बगल में, बहुत अच्छा गए हम लोग अपना नाश्ता वास्ता कर रहे थे। तो जो यूपी के सांसद लोग थे वो बेचारे उस अयोध्या के सांसद को, भाजपा के सांसद जो हार गया बेचारा उम्मीदवार था, उसको लगा चढ़ाने के लिए सबको, क्या यार अब तुमको तो टिकट मिली अयोध्या से, अभी अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई, तो हम लोग को तो लगा तुम 10 लाख से जीतोगे जी, 12 लाख से जीतोगे जी, 15 लाख से जीतोगे, कैसे तुम चुनाव हार गए यार क्या तुम। वो बेचारा शर्म से मुंडी नीचे, वो क्या जवाब दे। मैंने कहा कि भाई मैं बताता हूँ ना क्यों हुआ, मैं बताता हूँ। बोले आप कैसे बताएंगे, आप तो बिहार के हैं। मैंने कहा मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं भगवान राम के ससुराल का, मैं माँ सीता की धरती से आया हूँ, माँ सीता के जन्मस्थली से आया हूँ। और ये इसलिए हारे कि भगवान राम भी नाराज हुए कि अकेला मेरा मंदिर कैसे बनाया, माँ सीता का मंदिर बनाया। और भाई मेरे मंत्री भाई भारत सरकार श्री अमित शाह जी मेरे चुनाव प्रचार में आए थे, तो सीतामढ़ी आए मेरे बगल में बैठे थे, स्वाभाविक मैं उनके बगल में बैठा था, वो तो गृह मंत्री और मैं उम्मीदवार था। तो मुझे उन्होंने पूछा कि यहाँ के दो ज्यादा नहीं दो प्रमुख समस्या, बाकी तो मैं जानता हूँ, दो प्रमुख समस्या मुझे बता दो जो मैं अपने भाषण में चुपचाप उन्होंने पूछा मुझे। तो मैंने यही कहा कि सर एक तो आपने अयोध्या में भगवान राम की जो काम की है वैसे माँ सीता की धर्मस्थली यहाँ भी आपको ऐसा ही बनाना ही पड़ेगा, यह कोई ये डिमांड यहाँ से खत्म नहीं हो सकती, बहुत जोर से ये डिमांड पकड़ लिया। और दूसरी बात हमारी जो शुगर फैक्ट्री हमारी जिले की एक ही शुगर फैक्ट्री है वो बंद है, ये दोनों बात मैंने उनसे कही और उसका नतीजा ये हुआ कि ये चुनाव खत्म हुआ। और हमने जो इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगले ही दिन जहाँ चुनाव का चुनाव प्रचार और चुनाव आचार संहिता खत्म हुआ तो 75 करोड़ रुपया पहला इंस्टॉलमेंट सीतामढ़ी को माँ सीता मंदिर के ट्रस्ट को दिया।